यहाँ पर सिचुएशन बहुत खराब है दोस्तों, ऊपर ढाबा है, यहाँ पर हम स्टिक के जरिए खींचेंगे भी, तो दोस्तों वो आगे जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, मिलना नहीं चैलेंज है दोस्तों, देखते अभी ट्राई करके देखते हैं हम दोस्तों कैसे रेस्क्यू कर पाते हैं। तो दोस्तों उसी दिन जिस दिन हमने फर्स्ट रेस्क्यू किया था नागपंचमी के दिन, उसी दिन दोस्तों उसी गांव में ये दूसरा नाग निकला था दोस्तों, तो वहां से हम यहां पे रेस्क्यू करने के लिए तुरंत पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी जैसे कि सिचुएशन यहां पे ऐसी थी दोस्तों, ऊपर में ढाबा था दोस्तों और नाग जो है, आप जैसे कि आपने वीडियो में देखा है नाग साफ था दोस्तों, तो ये नाग जो है इस कोने में था दोस्तों, जिसको स्टिक के माध्यम से हमें ध्यान से निकालना पड़ा दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो वो सांप जो है उस साइड में जा सकता था, तो रेस्क्यू करने के लिए मुश्किल होता दोस्तों। तो देख सकते वीडियो में काफ़ी बिग साइज़ का कोबरा दिख रहा है दोस्तों, अभी मुन्ना भाई इसको आराम से निकालेंगे दोस्तों स्टिक के माध्यम से। तो दोस्तों दोबारा हम बताना चाहेंगे हर एक वीडियो में, जैसे कि बोलते हैं वीडियो को लाइक करो दोस्तों जो भी हमारे नए व्यूवर्स है, और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों नए व्यूअर्स के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, लाइक करने से भी मोटिवेट होते दोस्तों, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे से सांप थोड़ा सा बाहर निकल चुका है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है दोस्तों ये कोबरा सांप, अपना भारत का सबसे जहरीला सांप है दोस्तों, जिसके काटने के बाद इंसान की मौत तय है अगर सही पे इलाज नहीं हुआ तो दोस्तों। तो स्टिक के माध्यम से हम इसको लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम उसको अपने तरफ से खींचे दोस्तों, देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों सांप काफ़ी आक्रामक रूप में था दोस्तों, और इसके जो आँख थे लाइट की वजह से चमक रहे थे दोस्तों, जिस वजह से कुछ लोगों ने वहाँ पर हमें बोला कि सांप के अंदर नाग बनी होती है क्या दोस्तों, इस बात से हमें काफ़ी हंसी आई थी दोस्तों। पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि नाग बनी जैसी कोई भी चीज़ होती नहीं दोस्तों, वो बस फिल्मों में और किसी सीरियल में भी ठीक है दोस्तों, पर नाग मनी असल में नहीं होती दोस्तों। तो अभी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। अरे तुम्ही भाऊ तिथून लुटून जाते उठवर रे उतार भाई, मागा मागा वा थोड़े तो दोस्तों अभी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं सांप को हमने सही सलामत रेस्क्यू करके बाहर लाए दोस्तों, उसी गांव में उसी जगह पे लाए दोस्तों, और ये भी सांप काफ़ी बड़ा है दोस्तों। जैसे कि आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा इसी वीडियो का, मतलब नागपंचमी के दिन हमने इसको भी रेस्क्यू किया था, तो रिसेंटली उसको अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी देख सकते हैं दोस्तों, इसी गाँव का है दोस्तों, इसी प्रकार का वो भी कोबरा ही सांप था दोस्तों, और लोगों को भी बहुत आनंद था दोस्तों इसको देखने के लिए, क्योंकि ये जो नाग है नागपंचमी के दिन ही निकले थे, एक ही गांव में दो नाग सांप निकले थे दोस्तों, फर्स्ट सांप जो था नागिन था, सॉरी नाग था दोस्तों, और सेकंड ये नागिन है दोस्तों, काफ़ी बिग साइज़ की है दोस्तों, और देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी दोस्तों, लोग काफ़ी जम चुके थे यहाँ पर दोस्तों, हर कोई अपना मोबाइल का कैमरा निकाल के शूट कर रहे थे दोस्तों, और हमें भी बहुत खुशी थी दोस्तों कि ये सांप को बचाने के लिए उन्होंने भी कॉल किया जो दूसरे के घर में निकला था दोस्तों उसी टाइम में दोस्तों। तो बिना वक्त गंवाए हमने यहाँ पे फिलहाल इसको रेस्क्यू कर दिया है दोस्तों, और सावधानी के साथ दोस्तों इसको हमने इस कपड़े के बैग में डालने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। तो
और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कभी भी सांप दिखाई दे तो आप हमें कॉल करिएगा दोस्तों, पर खुद से पकड़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सांप को पकड़ना एक बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कोबरा रहा तो वेनेमस रहता है, बहुत से प्रजाति के सांप नॉन वेनेमस रहते हैं दोस्तों, बट ज़्यादा अगर आपको कोबरा वगैरह दिखे या फिर रसल वाइफर मन्यार इस तरह के साथ सांप आप कभी भी मत पकड़िएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करो, शेयर करो, वीडियो में आप आए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। फोन आ जाता है।